नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी आतिशी, कहा दिल्ली वालों को हक का पानी मिलने तक जारी रहेगा ये पानी सत्याग्रह। दिल्ली के लोगों को हरियाणा से उनके हक का पूरा पानी दिलाने के उद्देश्य से जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार से अपना अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। आम आदमी पार्टी ने इसे पानी सत्याग्रह नाम दिया है। अनशन शुरू करने से पहले आतिशी ने सुबह 10:45 पर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के प्रति समर्पण के लिए आतिशी की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। वहां से सुबह 11 बजे वे राजघाट पहुंची और बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर इस संघर्ष में जीत की कामना की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के अलावा सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं। राजघाट से आतिशी जंगपुरा के भोगल धरना स्थल पर पहुंची। यहां दोपहर 12 बजे उन्होंने अनशन शुरू किया। उनके समर्थन के लिए दुर्गेश पाठक और राखी बड़लान समेत आम आदमी पार्टी के कई विधायक, नेता और पदाधिकारी भी पहुंचे। जब तक हक का पानी नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। आतिशी ने कहा कि इस वक्त जितना कष्ट दिल्ली वालों को हो रहा है उससे ज़्यादा कष्ट ये अनशन मुझे नहीं दे सकता। मैं दिल्ली वालों के आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को उनके हक का पानी देगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से रोज़ 1005 MGD पानी मिलता है, जिसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से हरियाणा सरकार दिल्ली को 500 से 513 MGD पानी ही दे रही है। इसके चलते दिल्ली के 28,00,000 लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। शहर के कई हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। जल मंत्री होने के नाते मैंने दिल्ली के हक का पानी लेने के लिए हर संभव प्रयास किया और हरियाणा सरकार से लेकर प्रधानमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन मदद के बजाय हरियाणा सरकार ने पिछले 2 दिनों से दिल्ली का पानी और कम करके 120 MGD पानी रोक लिया है। इसी वजह से मुझे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना पड़ रहा है। जब तक दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। पानी पिलाने से ज़्यादा पुण्य का कोई काम नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारे समाज में मान्यता है कि पानी पिलाने से ज़्यादा पुण्य का कोई काम नहीं है, लेकिन बीजेपी की हरियाणा सरकार इतनी क्रूर और निर्दयी है कि वह देश की राजधानी में रह रहे लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रही है। दिल्ली के 28,00,000 लोगों का जो पानी रोका गया है उसके लिए इसमें हम सबको उनका साथ देना है और मिलकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाते हुए हरियाणा से अपने हक का पूरा पानी वापस लेना है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स नियमित रूप से आतिशी की जांच करेंगे और वह बीच बीच में आराम करने भी जाएंगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।